असलम जो यर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टीच यू द पेपर ऑफ़ सरगोदयर्सिटी बी ए इंग्लिश सरगोदयनिवर्सिटी का ये पेपर है जिसमें से मैं आपको करवाने लगी हूँ आई एम गोइंग टू अटम्प क्वेश्चन नंबर टू टूडे आई वो टीच यू द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ द ओल्ड मैन एट द सी आपको पता है कि इस नावल में एक बूढ़े आदमी की कहानी है ठीक है जो कि एक फ़िशर मैन है वो अपनी मुहिम पर जाता है और uh, पहले तो शुरू के तिरासी चौरासी दिन बिल्कुल वो बहुत लगातार किस्म की एफर्ट करता है लेकिन उसे कोई भी फिश नहीं मिलती फॉर्चुनेटली उसे जो फिश मिलती है या जो फिश हुक होती हैं उसके इंस्ट्रूमेंट के साथ वो होती हैं मार्लिन बट मार्लिन के साथ वो स्ट्रगल करता है मार्लिन हो जाती है हर्ट ठीक है इट्सटार्ट ब्लीडिंग ठीक है उसका खून निकलना शुरू हो जाता है जिससे जो बाकी के शार्क्स होती है ना वो फिर मार्लिन पर अटैक करती थी आपको पता है जब ब्लड की खुशबू जाती है समंदर में तो जो दूसरे जानवर होते हैं वो एकदम से अटैक करते हैं ठीक है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब संत्यागोस फाइट अगेंस्ट द शार्क संत्यागो ने फाइट्स फाइट कैसे की शार्क के अगेंस्ट शार्क के अगेंस्ट संत्यागो की फाइट डिस्कस करें काफ़ी इंटरेस्टिंग ये नावल है और जब आप इसे जब जब पढ़ते हैं लाइक like, जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसे पढ़ते हैं मैं काफ़ी सालों से ये नावल पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को तो वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट वही रहता है वही इंटरेस्ट डेवलप होता है और मैं उनको टीच करती हूँ माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ अवेलेबल राइट हेयर जीरो थ्री फोर फाइव वन फाइव जीरो फाइव वन डबल जीरो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग द ऑनलाइन सेशन स्टूडेंट्स फॉर रिक्वेस्टिंग दैट आई शूड सोल्व द पास पेपर ठीक है मुझे स्टूडेंट्स की काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम पास पेपर सोल्व करवाएं हमें पास पेपर टीच करें ताकि हमें आइडिया हो हमने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है ठीक है पेपर अटैम्प्ट करने की भी अपनी ट्रिक्स हैं जो कि मैंने स्टूडेंट्स को सेशन के साथ गाइड की हुई हैं आज हमने क्वेश्चन जो पाट पेपर से लिया है वो है डिसकस संथयागोस फाइट अगेंस्ट शार्क अब संथ्यागो ने शार्क के अगेंस्ट कैसे स्ट्रगल की संथ्यागो फाइट संथ्यागोस फाइट अगेंस्ट द शार्कट शॉर्क बाई वोटल मतलब अहम सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन अर्नाइड हैविंग वे नावे द और मैन एंड द सी नोवेला नोवेल के बजाय अगर आप नोवेला लिखेंगे ना ये वर्ड एग्जामिनर को ज़्यादा इम्प्रेस करेगा ठीक है इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें अपनी राइटिंग में इंग्लिश की तैयारी तो आपने करनी है ठीक है तो ऐसी तैयारी करें कि आप फर्स्ट अटम्प में इंग्लिश का पेपर पास कर जाएँ मेरे स्टूडेंट मेरी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश का पेपर बिल्कुल लास्ट अटैप्ट में मेरे पास आई थी पहले वो खुद से सेल्फ स्टडी करती थी लास्ट अटैप्ट रह गई थी मेरे पास नहीं अलमिल्ला उनका पेपर बहुत अच्छा होगा और वो पास हो गई ठीक है उनके रिव्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये है उनकी चैट और मैम जी अगर सीएस का देखें तो उसकी मैम जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बीए बी बीए इंग्लिश की तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया था अल्लाह पाक पाका एहसान है दूसरा आपने मुझे माशाल्लाह इतना अच्छा गाइड किया था कि मुझे टेंशन ही नहीं थी अपने पेपर की और मेरा वो लास्ट चांस था जब आपने मुझे तैयारी करवाई थी ये थे रिव्यूज़ मेरी स्टूडेंट के और अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब भी कर रही थी साथ प्रिपरेशन भी कर रही थी और माशाल्लाह उन्होंने पास कर लिया पेपर अपना ठीक है तो ये होती है पेपर की ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए अब संत्यागो ने फाइट स्टार्ट की किसके अगेंस्ट शार्क के अगेंस्ट और ये अहम एक मरहला है जो कि अर्नेस्ट मिलल हैमिंग ने अपने नावल द ओल्ड मैन एंड सी में डिस्कस किया है इन दिस इंटेंस स्ट्रगल यानी इतनी ज़्यादा इंटेंस कहते हैं शदीद इतनी शदीद स्ट्रगल करने के बाद संत्यागो एन ओल्ड एंड स्किल्ड फिशरमैन हुक्स हुक्स जैसे कि किसी चीज़ को ना यानी गिरफ्त में लेना ठीक है किसी चीज़ को अटैच करना आपने हुक देखा है ना जिससे वो कुछ खाने की चीज़ बांधते हैं और उससे समंदर में फेंकते हैं उसे हुक कहते हैं हुक आ जाइंट जाइंट मीन्स वेरी बिग मार्लिन मार्लिन यानी वो मछली जो संत्यागो ने पकड़ी थी एंड बेटल्स एंड फॉर डेज ठीक है और काफ़ी दिनों तक उससे जो है इसने जंग जारी रखी ठीक है बैटल जो है इसने जंग को कह सकते हैं या उसकी जो स्ट्रगल थी स्ट्रगल को कह सकते हैं हाँ क्योंकि बड़े टाइम बाद उसको कोई मछली मिली ठीक है शुरू के तो 84 डेज वो बहुत ज़्यादा नाकाम रहा था लेकिन फिर बाद में वो एक बहुत बड़ी मछली पकड़ता है उसके चुंगल में आ जाती है और उससे काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करता है हाउर ऑन दिस वे बैक टू शोर और जब वो साहिल समंदर की तरफ वापस आ रहा था रिलेंटलेस शार्क अटैक्स था मार्लिन ठीक है यानी वो मार्लिन को ला रहा था जो मछली उसने पकड़ी थी तो उसको वो साहिल समंदर की तरफ ला रहा था रिलेंटलेस कहते हैं जो आज़ाद थी बेलगाम थी बेलगाम शार्क्स आ जाती हैं मार्लिन को अटैक करती हैं कॉजिंग सिंथयागो टू फाइट ताकि संथयागो जो है वो फाइट करे ठीक है सिंथयागो टू फाइट द शार्क विद ऑल हिज रिमेनिंग स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन स्ट्रेंथ ताकत डिटर्मिनेशन ओल्ड मैन ने अपना जो अज़म था इरादा था वो जारी रखा और उन तमाम शार्क्स को उसने शिकस्त दी और उनसे लड़ता रहा द द फाइट फाइट दाइट दिबलाइज संर यम रखना कायम और कायम रहना या फिर इस्तकामत के जो हर दिखाने को इस्तकामत यानी साबित कदम रहना कायम रहने को कहते हैं हिस्स रिफ्यूजल टू गिव आप इवन इन द फेस ऑफ सिमिंग इन सरमाउंटेबल चैलेंजेस सरमाउंटेबल चैलेंजेस यानी इतने सारे चैलेंजेस जिनको ओवरकम करना एक आम आदमी की बात नहीं थी इन सब चैलेंजेस को ओल्ड मैन ने फेस किया और उनको जो है बेसिकली शिकस्त देने की कोशिश की ओल्ड मैन की जो स्ट्रगल है हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपनी स्ट्रगल भी लाइफ की जारी रखें नाकबिल तस्खीर को इनसरमाउंटेबल कहते हैं ठीक है थीके? उन तमाम चैलेंजेस को इसने फेस किया और सब ही उसने शिक्त देने की कोशिश की इट ऑल्सो हाई द हर्श हर्श कहते हैं तख एन अनफोर्क्यूविंग नेचर ऑफ द सी समंदर जो था वो अपनी पूरी आबोताब के साथ था और उसकी जो नेचर थी वो अनफॉर्गिविंग थी वेयर सर्वाइव ऑफन रिक्वायर्स इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल यानी हैरान कौन रेजिलेंस एंड सोर्सफुलनेस जहाँ पर उसको रेजिलेंस रेजिलेंस यानी थोड़ी लचक गुंजाइश की जरूरत थी लेकिन उसके बावजूद हैरत अंगेज जितने भी चैलेंजेस आए उन सब में वो सर्वाइवल यानी वो सर्वाइव करता है और आगे बढ़ता है अल्टीमेटली संत्यागो स्ट्रगल अगेंस्ट दर्स मेटाफर फॉर द ब्रॉडर थीम ऑफ द नोवेला यानी अब आपने बताना है कि यहाँ पर जो टेक्निक यूज की है ना राइटर ने तो ये तमाम टेक्निक मेटाफर की है मेटाफर क्या है ये राइटिंग डिवाइस है जिसे यूज करते हुए एक नोवेल लिखता है फोर द ब्रॉडर थीम ऑफ द नावेला और इसका थीम क्या अच्छा थीम क्या है इसमें आपको पता है डेथ है स्ट्रेंथ है और डेथ किसकी है मार्लिन की है ठीक है स्ट्रगल है determination इसमें बहुत से आपको थीम्स मिलते हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन स्पिर एबिलिटी और ये एक इंसान का स्पिरट था और मैन का स्पिरट था कि वो इसके बावजूद कायम और टायम रहा तो इंज्योर हार्डशिप ताकि वो इन मुश्किल सूरत हाल को फेस कर सकें हार्डशिप यानी तलखियों को तकलीफ़ों को फाइंड मीनिंग इन द फेस ऑफ़ एडवर्सिटी और बदहाली में भी कैसे कायम रहना है उसने ये चीज़ हमें साबित की था सीन आल्सो शो खेस शो खेस हैविंग फेस करेक्टरिस्टिक स्टाइल करेक्टराइज बाई स्पार्स इकोनॉमिकल पोस्ट है डीप इमोशनल एंड फ़िलोसफिकल रेजोनेंस कि कैसे उसने अपना एक फ़लसफाना तौर तो तरीका अपनाया और हैमिंग का किरदार जो जो उसने शो किया है संत्यागो का किरदार शो किया है हैमिंग वे जो राइटर है वो संत्यागो के ज़रिए स्ट्रगल कर रहा है और कहता है कि बेशक आपको ज़िंदगी की माशी सूरत हाल हो क्योंकि आप देखिए हम भी अपनी लाइफ से स्ट्रगल ही करते हैं ठीक है यानी कोई भी इंसान की ज़िंदगी में कभी भी कंडीशन आ सकती है तो आपने क्या करना है आपने सर्वाइव करना है यू हैव टू फेस ऑल द कलामिटीज़ विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन ठीक है आपने अपने पुराज रहकर हर चीज़ को फ़ेस करना है तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर फॉर ज्वाइनिंग द कम्प्लीट लेक्चर सीरीज आप मुझे रब्ता कर सकते हैं सोटे केफ़ ये सनी को इजाज़त दें. जजाक अलाग है जजाक अल्लाह खैर हाफ़िज